2019 में एंड्रॉइड का जो मार्केट शेयर था ना वो था 86.6% और देखा जाए तो दुनिया का नंबर वन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है एंड्रॉइड और इसकी जो पोजीशन है ना फर्स्ट नंबर पे उसे कोई भी आज तक चैलेंज नहीं कर पाया है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो एंड्रॉइड को जहां सब लोग इतना ज्यादा प्यार करते हैं तो वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि एंड्रॉइड फोन के अंदर कई बार हैकिंग मालवेयर अजीब अजीब से इशूज आने लगते हैं, कई बार किसी ऐप कोई प्रॉब्लम कर देती है और कई बार हमारे सामने एक ऐसी ऐप आ जाती है जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है लेकिन लोगों के डेटा को लीक कर रही है। उसके अलावा प्रॉब्लम्स आती है अपडेट्स की। आज भी कितने सारे एंड्रॉइड फोन से जिनमें लेटेस्ट एंड्रॉइड का वर्जन नहीं चलता, लेटेस्ट एंड्रॉइड का सिक्योरिटी पैच टाइम पे नहीं पहुंच पाता, तो ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली एंड्रॉइड के साथ। और चलिए आज इस वीडियो में बात करते कुछ एंड्रॉइड के ऑल्टरनेटिव के लिए और पता लगाते क्या है जो एंड्रॉइड के जो ऑल्टरनेटिव है क्या ये बेटर है एंड्रॉइड से और क्या आने वाले समय में क्या रिप्लेस कर सकते हैं फ्यूचर में एंड्रॉइड को। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। और हाँ, इन सबसे जरूरी बात यह है कि स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर सकते हो आप लोग। और बात करें जो सबसे पहला ओएस है इस लिस्ट के अंदर वो है iOS, यानी कि एप्पल का iOS इतना ज्यादा पॉपुलर है कि सेकंड नंबर की पोजीशन पे लेता है। और इसके अंदर आपको जो स्टेबिलिटी मिलती है, परफॉर्मेंस मिलती है, जो यूआई मिलता है, काफी सारी चीजें कमाल की। और एप्पल के इकोसिस्टम से जिस तरीके से कनेक्ट होता है ना वो भी काफी बढ़िया बात है। लेकिन प्रॉब्लम बस यही कि सिर्फ एप्पल के डिवाइसेस तक मिलता है और एप्पल के फोन कितने के आते हैं ये तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, सब दुनिया को मालूम है कि एप्पल के जो प्रोडक्ट्स की जो कीमत है वो किससे कंपेयर की जाती है। लेकिन बात अगर हम उसकी हटाते तो ओवरऑल काफी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है और सबसे अच्छी बात है कि सबसे लंबे समय तक अपडेट्स देखने को मिलती है जो हम एंड्रॉइड में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। यानी कि 4-5 साल तक अगर एंड्रॉइड फोन में अपडेट मिलना चालू हो गया तो क्या बात है, लेकिन iOS में चीज पॉसिबल हो जाती है। और इसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि जो iOS का जो इकोसिस्टम जो लॉकडाउन है ना वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट है। यानी कि एप्पल ये चाहते हैं कि हर कोई एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज करे, यानी कि अगर आपने आईफोन लिया तो उसकी जो कंपेटिबिलिटी जो एप्पल के दूसरे प्रोडक्ट के साथ होती है ना काफी अच्छी रहती है, इसलिए जो इकोसिस्टम है ना कई बार वो थोड़ी हथकड़ी होती है ना वैसा फील लगाता है। लेकिन जो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास वो है सिरेन ओएस। अगर आप लोगों ने इसका नाम नहीं सुना है, काफी रिसेंटली एक नया ओएस सामने निकल के आया था जिसे बनाया गया था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, यानी कि जो बिटकॉइन टेक्नोलॉजी आपको याद है ठीक, जो ब्लॉकचेन थी ना उसके पीछे उसी के ऊपर ये बनाया गया, यानी कि ब्लॉकचेन इनेबल्ड स्मार्टफोन। और इस स्मार्टफोन का यूज करके आप अपने फोन के अंदर बिटकॉइन और जो क्रिप्टो वॉलेट होता है ना उसको यूज कर सकते हैं और वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर ओएस के रूप में आ जाते हैं, यानी कि सिक्योरिटी है ना वो उसमें टॉप नॉच पे रखी गई है। और ऑब्वियसली इसके अंदर आपको एंड्रॉइड के अंदर जो गूगल प्ले स्टोर और जो एंड्रॉइड की जो एप्स होती है ना उसका भी सपोर्ट देखने को मिलता है, तो काफी बढ़िया चीज है ये। लेकिन प्रॉब्लम बस ये कि काफी ज्यादा लिमिटेड है, अपडेट्स कब आएंगी उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो डिवाइसेज है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है और जो गिने चुने जो फोन आते हैं ना उनकी कीमत बहुत ज्यादा और इसका जो मार्केट है ना वो इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है। लेकिन इसके बाद जो अगला ओएस है ना वो है हमारा ओपन सोर्स कम्युनिटी का लिनक्स बेस्ड, यानी कि Ubuntu Touch। अगर Ubuntu Touch की बात करें तो जैसा उन्होंने पीसी में Ubuntu बनाया था ना ठीक वैसा का वैसे उन्होंने फोन के अंदर बनाया, यानी कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन चलाएगा, काफी सारी एप्लीकेशन इंक्लूडिंग टेलीग्राम उसमें प्रीलोड देखने को मिलती है और काफी अलग अलग एप्स का सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन बस प्रॉब्लम यह कि इसे किसी बड़ी कंपनी की बैकिंग नहीं है, ये ओपन सोर्स कम्युनिटी से चलाती है इसलिए इसके अंदर अपडेट्स वगैरह टाइम पर नहीं आती और रिलायबिलिटी फैक्टर है ना वो इतना अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत इसके अंदर ये लगी कि इसके अंदर जो एप्लीकेशंस का जो सपोर्ट है ना वो उतना अच्छा नहीं है, यानी कि अगर इसमें एप्स वगैरह का अगर अच्छा सपोर्ट आ जाता तो क्या पता हमें एंड्रॉइड का एक ऑल्टरनेटिव अच्छा मिल जाता, लेकिन फिलहाल के लिए एप्स के कारण थोड़ा पीछे हो जाता है। लेकिन इसके अंदर जो डेस्कटॉप मोड होता है ना कि इसे फोन कनेक्ट करके आप डेस्कटॉप पे प्रॉपर Ubuntu यूज कर लो तो वो इस फोन का काफी बढ़िया फीचर हो जाता है। और इसके बाद बारी आती है टाइजन ओएस की, यानी कि टाइजन एक स्पेशल ओएस है जिसे सैमसंग ने बनाया था अपने पुराने फोन के लिए, लेकिन इसके बाद जो है ना सैमसंग फोन के अंदर पूरी तरह से एंड्रॉइड को मूव कर गए, लेकिन टाइजन को उन्होंने छोड़ा नहीं। टाइजन आज के समय में जो सैमसंग के IoT बेस्ड प्रोडक्ट्स है उसमें देखने को मिलता है, यहां तक कि सैमसंग की जो स्मार्ट वॉच आती है गैलेक्सी वॉच, गियर S4, इन सब के अंदर जो है ना टाइजन देखने को मिलता है, यहां तक कि सैमसंग के स्मार्ट टीवीज के अंदर भी टाइजन ओएस देखने को मिलता है। टाइजन ओएस देखा जाए तो उस IoT वाले डिपार्टमेंट में काफी अच्छा कर रहा है और देखा है तो वहां पे जो दूसरे एंड्रॉइड के वर्जन होते हैं ना जैसे गूगल का VR OS हो गया, फिर एंड्रॉइड TV हो गया, वहां पे एक अच्छा कॉम्पिटिशन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन देखते क्या आने वाले समय में क्या एंड्रॉइड का ऑल्टरनेटिव साबित हो पाता है, क्योंकि मोबाइल फोन तक तो नहीं आ पाया है लेकिन दूसरी जगह पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है टाइजन ओएस। लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि जो सैमसंग के डिवाइसेस होते हैं ना सिर्फ वहीं तक लिमिटेड है, अगर दूसरी कंपनीज के डिवाइसेस तक चले जाए ना फिर क्या बात होती है। और इसके बाद बात करें हुआवे की, तो हुआवे के ऊपर जब पिछले साल जब बैन लगा था ना तो काफी सारी खबरें मार्केट में आई थी कि हुआवे अपना खुद का ओएस डेवलप कर रही है और उसके बाद हमारे सामने एक नया ओएस निकल के आया जिसे कहा गया था हार्मनी ओएस। अब हार्मनी ओएस की तो पूरी प्लानिंग ऐसे कि आने वाले फ्यूचर में वो एंड्रॉइड को रिप्लेस कर दे और हुआवे के सारे फोन्स
आपको हार्मनी ओएस देखने को मिले, लेकिन फिलहाल के लिए जो हार्मनी ओएस है ना वो इतना ज़्यादा नया है कि आपको मोबाइल फ़ोन्स में तो देखने को मिलता ही नहीं, और उसे हुआवे ने सिर्फ और सिर्फ अभी IoT प्रोडक्ट्स के लिए लिमिट रखा है, और जो हुआवे और ऑनर के जो टीवी है ना उन्हीं में आपको हार्मनी ओएस देखने को मिलेगा। लेकिन हुआवे की ऐसी प्लानिंग है कि इसे प्रॉपर एक परफेक्ट एंड्रॉयड ऑल्टरनेटिव और एक एंड्रॉयड किलर के रूप में पेश किया जाए, और इसके अंदर कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ भी होंगी कि ये एंड्रॉयड के जो एप्स है ना वो भी रन कर सके। लेकिन ये सब होने में भी 1-2 साल बाकी है, बाकी देखते हैं कि जो हार्मनी ओएस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उम्मीद इसी से लगी पड़ी है, क्या ये आगे चल के एंड्रॉयड का ऑल्टरनेटिव साबित हो सकता है। क्योंकि देखा तो अभी हुआवे के फोन्स के अंदर आपको एंड्रॉयड देखने को मिलता है लेकिन गूगल प्ले स्टोर देखने को नहीं मिलता, इसलिए वो अपनी ऐप गैलरी लेके आ गए, और हो सकता है कि आने वाले समय पूरी तरह से एंड्रॉयड से मूव करके अपना खुद का ओएस निकाल दें। देखते हैं फिर आगे कहानी क्या बनती है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हुआवे कुछ प्रोडक्ट्स में मोबाइल फोन तक आने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। और इसके बाद बात करें फाइनली तो यहाँ पे हमारे पास है कस्टम रॉम्स की बारी, यानी कि जैसे लिनियज ओएस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कस्टम रॉम है, 2016 में जब साइनोजेन मॉड डेड हुई थी तो उसी से निकल कर आई थी लिनियज ओएस, और उसके अलावा काफी सारी दूसरी कस्टम रॉम्स भी आपको देखने को मिलती है, जैसे पैरानॉइड एंड्रॉयड हो गई, और इन सब के अंदर स्पेशलिटी है कि एंड्रॉयड पे बेस्ड है, लेकिन इनमें आपको एंड्रॉयड से ज्यादा अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं, वो चीजें देखने को मिलती है जो एंड्रॉयड में अभी नहीं है, और फ्यूचर के एंड्रॉयड वर्जन में जो चीजें आएंगी ना वो आपको करंट कस्टम रॉम्स में देखने को मिल जाती है। ये काफी बढ़िया चीज है। ऊपर से जो कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिलते हैं ये आपको कभी भी स्टॉक एंड्रॉइड या नॉर्मल कोई भी एंड्रॉइड ओएस या एंड्रॉइड का जो भी यूआई होता है ना उसमें देखने को नहीं मिलेंगे। और तो और इन फोन के अंदर जो अपडेट्स आते हैं, यानी कि कस्टम रॉम की कम्युनिटी इतनी अच्छी कि जो अपडेट्स जो प्रोवाइड करती है ना वो काफी ज्यादा फास्ट करती है, और इवन सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट्स देखने को मिलते हैं। तो देखा जाए तो जो नॉर्मल एंड्रॉइड के साथ जो प्रॉब्लम थी ना उनमें से काफी सारी प्रॉब्लम्स को कस्टम रॉम्स ने फिक्स किया, लेकिन प्रॉब्लम बस ये कि जो कस्टम रॉम्स हैं अनऑफिशियल है, इन्हें डिवाइसेस के अंदर आपको मैन्युअली फ्लैश करना पड़ता है, अब किसी को उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो उसका फोन ब्रिक भी हो सकता है, और तो और कई बार कस्टम रॉम फ्लैश करने के बाद तो डिवाइस की वारंटी भी चली जाती है। तो देखा जाए तो कुछ ऐसी कमियां लगी हुई हैं कस्टम रॉम्स के साथ, लेकिन जो लोग एक्सपर्ट है, जिन लोग को इसमें मजा आता है, तो वो लोग ऑब्वियसली कस्टम रॉम्स वगैरह को फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल यूजर है ना जो कि अभी मार्केट से नया नया ताज़ा फोन लिया, उसके लिए रिकमेंड नहीं है कि वो आने वाले समय में कोई एंड्रॉयड रॉम फ्लैश करे। फिर भी देखते हैं कि आने वाले समय में फ्यूचर क्या होता है कस्टम रॉम्स का। और इसके बाद फाइनल नंबर पे हमारे पास है KaiOS, यानी KaiOS लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि देखा जाए तो ये स्मार्टफोन का ओएस नहीं है, लेकिन ये दुनिया का थर्ड नंबर का मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है और इंडिया का सेकंड नंबर का। अब KaiOS की खास बात यह कि इसे वेब बेस्ड एप्लीकेशन चलाने के लिए बनाया गया था, और इसे बनाया गया फीचर फोन्स के लिए, यानी कि जो कीपैड वाले फोन्स आते हैं ना उनके लिए, और थैंक्स टू JioPhone जिसके अंदर आपको KaiOS देखने को मिलता है ना, इसी के कारण जो मार्केट शेयर है KaiOS का वो काफी ज्यादा एक्सपेंड कर गया है। और तो देखा तो इजी टू यूज है, इसके जो डिवाइस होते हैं काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, लेकिन देखा जाए तो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं है एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स का या फिर आईफोन का या फिर किसी दूसरे स्मार्टफोन का, ये नॉर्मल फीचर फोन में ही स्मार्ट फीचर्स को ऐड कर देता है। तो देखा जाए तो KaiOS का फायदा तो ये हो गया, लेकिन देखा जाए तो जो KaiOS का जो फीचर है ना फीचर फोन मार्केट में वो काफी ज्यादा ब्राइट है। तो दोस्तों ये थे कुछ एंड्रॉइड के ऑल्टरनेटिव जो आपको देखने को मिल रहे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन फिर भी देखा जाए तो इतने सारे एंड्रॉइड के ऑल्टरनेटिव होने के बावजूद भी कोई एंड्रॉइड की जो नंबर वन पोजीशन है ना उसे चैलेंज नहीं कर पाया है। और देखने वाली बात यह कि क्या आने वाले समय में मोबाइल फोन की दुनिया में क्या कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी जगह ले पाता है या नहीं ले पाता, वैसे ये भी काफी डिबेटेबल क्वेश्चन है, और इसके ऊपर भी पूरा वीडियो बनाया जा सकता है कि क्यों हमें आज के समय में प्रॉपर एक अच्छा मोबाइल फोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को नहीं मिलता जो कि एंड्रॉइड और आईफोन की जगह ले सके या फिर उन्हें अच्छे से टक्कर दे सके। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। वैसे आप लोगों को जो इतने एंड्रॉइड ऑल्टरनेटिव्स पता है इनमें से आपको सबसे फेवरेट कौन सा लगा, या फिर आप लोग अभी भी एंड्रॉइड के पीछे ही हो, तो ये बात मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूलना। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सबसे जरूरी बात स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू आपके वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।